एक हमने थाली लॉन्च की, स्पेशल थाली। सो गाइस देख सकते हो पूरा खत्म कर चुके हैं। अब पता नहीं लोग सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं कि बेकार है ये है वो है। कुछ एक्सपोज वीडियो बना रहे हैं, कुछ रोस्ट कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं लेने। तो अभी हम खा के आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिखाएंगे। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं फेमस गरीब जट्टी और भैया ने न्यू आइटम लॉन्च करी है। भैया बताओ उसके बारे में जरा। भैया जी न्यू आइटम क्या है, नॉर्थ इंडियन फूड स्टार्ट किया हमने हमारे आउटलेट पे और अभी इनॉग्रेशन ऑफर जैसे कह सकते हैं कि यहाँ मान लीजिए जो नॉर्थ इंडियन फूड हमने स्टार्ट किया है, एक हमने थाली लॉन्च की स्पेशल थाली जिसकी कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट 170 है, लेकिन अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर 31 अक्टूबर 2022 तक ये थाली आपको मिलेगी मात्र 120 रुपये की, ठीक है। उसमें आपको दाल मखनी, शाही पनीर, रायता और दो नान। ये अनलिमिटेड नहीं है, मतलब नॉर्मल थाली है, जैसे आपको एक बार थाली देते हैं ख़त्म। एक्चुअल कॉस्ट इसकी 170 रुपये है, लेकिन 31 अक्टूबर 2022 तक ये आपको सिर्फ 120 रुपये मिलेगी, जैसे कि आप बैनर में दिखा भी सकते हैं और पैक भी करवा के लेके जा सकते हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसके। अच्छा मतलब लोग आएंगे वो 120 में पेट भर के जाएंगे पूरा अपना। ये देखो हम आपको दे देंगे थाली, हाँ। अब वो आपके ऊपर है, आपका पेट उसमें भरता नहीं भरता क्योंकि हमारा अनलिमिटेड नहीं है। हाँ हाँ। थाली का मतलब एक बार दे दी खत्म, दैट्स इट। हाँ ये भी है। और इसके लिए आपको आना पड़ेगा रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, पॉकेट E16/289, सेक्टर 7 की डिवाइडिंग रोड पड़ती है, बाटा शोरूम के बिल्कुल साथ। और अपने आपकी जो न्यू आइटम आ रही है उसके बारे में बताओ। भैया जी अनलिमिटेड के अंदर काठी कबाब काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, मेरे ख्याल से 4 महीने हो चुके हैं। हाँ। तो लोगों की फरमाइश भी आ रही है डिमांड के ऊपर कि सर अब काफ़ी दिन से अनलिमिटेड में काठी खा रहे हैं तो कुछ न्यू आइटम लेके आइए, न्यू डिश लेके आइए। हाँ। तो जल्दी हम लोग मेरे ख्याल से शायद विद इन वन वीक के अंदर अंदर अपना या तो इसको रिप्लेस कर देंगे इस डिश को, या इसके साथ एक डिश एड ऑन कर देंगे न्यू डिश अनलिमिटेड में कुलचे के साथ। थैंक यू भैया, अच्छा लगा यहाँ आके। अभी खा के देखते हैं जरा टेस्ट कैसा है। बिल्कुल भैया अपना ऑनेस्ट रिव्यू देगा। हाँ ऑनेस्ट रिव्यू देगा। एक और चीज़ कह देता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर जितने भी सारे छोटे चैनल हैं जिनके 50 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर, कुछ एक्सपोज वीडियो बना रहे हैं, कुछ रोस्ट कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं व्यूज लेने के लिए, ठीक है, उनका सिर्फ यही मकसद है अपने। देखो आज की डेट में आपको भी पता है कि अच्छाई इतनी जल्दी फैले ना फैले, लेकिन बुराई बहुत जल्दी फैलती है। तो वो सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, पुश देने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप ईमानदारी से काम करो, मेहनत से काम करो, ठीक है, आपको कामयाबी मिलेगी जरूर, चाहे देर से मिले लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि आप जेन्युइन तरीके से मेहनत कर रहे हो और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि रातों रात फेमस होना चाहते हैं, तो उसमें फिर लोग गलत तरीके से जाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि किसी को डिफेम करके आप खुद तो कामयाबी पा लोगे, लेकिन फिर आपके साथ ऑडियंस भी वैसे ही जुड़ रही है, ठीक है, वो फिर हमेशा एक्सपोज ही देखना चाहिए। तो काम वो करो तो जो सामने वाले को भी अच्छा लगे और जिसके पास आप कर रहे हो उसको भी अच्छा लगे, और भगवान भी देखेगा कि जेन्युइन काम कर रहा है, आपको भी आगे बढ़ाएगा वो, क्योंकि हम भी एक टाइम पे जीरो लेवल पे थे, आज भगवान ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, स्टेप बाय स्टेप चले हैं, मेहनत की है तब आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो अपना मेहनत करते रहो, ईमानदारी से मेहनत करो, ये नहीं किसी को डिफेम कर रहे हैं, किसी की लेग पुलिंग कर रहे हैं, किसी को बदनाम करके आगे बढ़ रहे हैं। आप आओ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप हमारे आउटलेट पे आओ, यहाँ पे आओ खाओ और फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तब आपको पता चलेगा हम क्या चीज़ दे रहे हैं, ठीक है जी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, उसके बाद भी अगर आपको कोई कमी लगती है आप हमको आउटलेट पे आके बता के जाओ, खा के हम उसको जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम कोई कसर छोड़ते नहीं है, हमारी तरफ से हम पूरा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है तो हम उसको जरूर सुधारेंगे, ठीक है। थैंक यू भैया, आप खा के देखते हैं। सो गाइस ये भैया अभी बना रहे हैं, अभी खा के बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। सो गाइस फाइनली हमारी थाली जो है आ चुकी है, अब ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इसका, और हम अभी अनलिमिटेड वाला चैलेंज तो नहीं ले रहे, वैसे चैलेंज में यही मिलता है, लेकिन चैलेंज इसलिए ले रहे क्योंकि हम अभी टेस्ट करने आए हैं घर से, हम ऑलरेडी खा के आ चुके हैं, तो अभी हम खा के आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिखाएंगे। अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलेंगे, बुरा लगेगा तो किसी को डिफेम नहीं करेंगे, आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। सो गाइस देख सकते हो पूरा खत्म कर चुके हैं और ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं तो भाई बता कैसा लगा। भाई जो भी लोग बोलते हैं कि बातों में मत आओ, खुद आओ टेस्ट करो, और इतना अच्छा बना हुआ है ना, टेस्ट में पूरा अच्छे से है भाई, और टेस्टी भी है बहुत, तुम खुद खाओगे ना बहुत अच्छा लगेगा। बन पर सही नहीं लगा बता भाई। मैं देखो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बताऊँ, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया ही है। अब पता नहीं लोग सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं कि बेकार है ये है वो है, हमने तो देखो पूरा ख़त्म कर लिया, अभी हम दोबारा आके खाने वाले थोड़ी देर बाद, अच्छा लगा है क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा लगा, और मैं तो कहता हूँ आप सब भी एक बार विजिट करो और खा के देख रहे हैं एक बार। हाँ कोई 150-200 रुपये में आप कुछ नहीं जाएगा, आप खाओ आके टेस्ट करो, कोई किसी की बातों में मत आओ कि बेकार तुम मत जा, अपने मन से आओ यार, किसी और इससे दुनिया थोड़ी चलती है। सो बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में।